नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे फ्रैंकी मसाला। जल्दी मैं आप लोगों के साथ फ्रैंकी रोल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्रैंकी मसाला बनाना सीख लें। ये फ्रैंकी मसाला टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि फ्रैंकी मसाला बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल, जिसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को डालने के बाद हमें इसे एक स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेना है। हमें इन मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये जो हमारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, अब हमें इसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देना है। आप चाहे तो इसे अपने मसाले वाले डिब्बे में भी भर के रख सकते हैं। ये जो हमारा फ्रैंकी मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसे कभी भी फ्रैंकी रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं स्लिप लगा दे रही हूँ फ्रैंकी मसाला का। तो हमारा फ्रैंकी मसाला बिल्कुल रेडी है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फटाफट से ये मसाला बना लीजिए, क्योंकि मैं सिखाने वाली हूँ आपको बहुत सारे फ्रैंकी रोल्स की रेसिपीज़। उसके लिए मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेसिपी को बनाइए, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें एंड अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।